जय हिंद साथियों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ने वाले हैं, जो 11th और 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम कार्बनिक रसायन को बेसिक से पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बेसिक जानकारी के लिए है, जिसमें जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो इतना डर लगता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, साथ ही हमारा जो 12th क्लास का सॉलिड स्टेट जो चल रहा था उसे हम खत्म कर देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको उसके आगे का पढ़ना है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना है, तो हम उस हिसाब से आप लोगों के कमेंट के द्वारा निष्कर्ष निकालकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जारी रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय के बारे में जानेंगे कि क्या होता है कार्बनिक रसायन। हम इसके मेन एलिमेंट्स जानेंगे, मुख्य तत्व, फिर जानेंगे हम लुईस डॉट सिंबल। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जरा ध्यान से इनको देखिए, लुईस चिन्ह प्रतीक कहते हैं जिन्हें। इसके बाद हम वैलेंसी संयोजकता क्या होती है के बारे में जानेंगे, सहसंयोजी बंध के बारे में जानेंगे, कार्बन की जो डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड और ये फोर्थ डिग्री, इसके बारे में जानेंगे क्या होते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन जानेंगे, हेलो एल्केन्स और एल्कोहल का वर्गीकरण जानेंगे, अल्फा बीटा और गामा कार्बन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और कुछ कैलकुलेशन यानी पेपर में इन सब के बारे में, इन सब से कैसा क्या आता है और थोड़ा सा गणना इनकी हम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे परिचय की ओर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसका हम परिचय किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन वे सहसंयोजी यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक में यौगिक होते हैं जो साझे के द्वारा इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं, उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन को सी से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को एच से दर्शाते हैं। तो जहां पर भी आपको कार्बन दिखाई दे, हाइड्रोजन दिखाई दे, अधिकतर आपको जहां पर भी कार्बन ऐसा दिखाई देगा, कार्बन कार्बन कार्बन, उसी ही हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक रसायन में अधिकतर कार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे वे सहसंयोजी यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जहां पर भी आपको यह वर्ड दिखाई दे, आपको यह दिमाग में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि इसमें क्या क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। आप लोग पेन और कॉपी अपने पास रखिए, जो जो आपको लगता है उसे नोट्स में कॉपी करते रहिए, ठीक है ना, ये आपको आगे तक काम देगा। अब जानते हैं, हमने जान लिया कि हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन से जो मिलकर बना होगा उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। सीधी सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलेगा उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से जो बनेगा उसे हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके तत्व हैं, तत्व हैं हमारे पास कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, और ये जो एक्स है इसके बारे में जानते हैं हम, एक्स क्या है। एक्स होते हैं हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व होते हैं, हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व क्या होते हैं, आवर्त सारणी में समूह 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें हेलोजन तत्व कहते हैं,
हेलोजन तत्व, समूह 17 के तत्व होते हैं, ठीक है ना। 17th ग्रुप्स एलिमेंट्स, इन्हें हम हेलोजन तत्व कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टिडाइन भी होता है, परंतु हम कार्बनिक रसायन में उसे नहीं लेते, हम ये चार ही लेंगे। याद रखिएगा, हेलोजन तत्व इन चारों को कार्बनिक रसायन में हम लेंगे, इनका उपयोग करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन तत्व, इसे हम कैपिटल एक्स से दर्शाएंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ उदाहरण, यानी जो व्युत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होंगे। जैसे CH4, C2, H6, इस प्रकार से। अभी हम आगे जानेंगे कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस प्रकार से इन सूत्रों का निर्माण करते हैं। अभी आप सिर्फ इनको दिमाग में रखिए, अभी हम आगे इनके बारे में जानते हैं। इस प्रकार से हम CH4 की संरचना को बनाते हैं, ये संरचना सूत्र है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसमें एलिमेंट्स को बोलते हैं तत्व, हिंदी में बोलते हैं तत्व, यहां लिख देते हैं तत्व। LDS, अब ये LDS क्या है? यह है लुईस डॉट सिंबल, जिसको हिंदी में बोलेंगे लुईस बिंदु प्रतीक, इंग्लिश में बोलेंगे लुईस डॉट सिंबल। यह क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता और स्ट्रक्चर को बोलते हैं संरचना। संरचना, तो अब यहां पे आप बहुत ध्यान से देखिए, यह टॉपिक आपको बहुत महत्वपूर्ण है, यही इन्हीं के द्वारा हम आगे जानेंगे। यहां पे आपको एलिमेंट तत्व में पहला तत्व दिया है कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान दीजिए कि जो कार्बन है, कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बचा होता है, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, और यह जो हेलोजन तत्व है इनके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इनका लुईस बिंदु प्रतीक क्या होता है, इन्हें कैसे दर्शाते हैं लुईस बिंदु प्रतीक में। ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा कार्बन हो गया। अब यहां पे हमने देखे कि इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे लुईस बिंदु प्रतीक में इस प्रकार से दर्शाते हैं। 4 है तो ये सबसे पहले एक एक दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ गिनिए, 1, 2, 3 और ये 4 हो गए कार्बन के कंप्लीट। अब हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 परमाणु है तो यहां पे 1 बिंदु लगाया हमने, इसे लुईस बिंदु प्रतीक बोलते हैं, ठीक है ना। लुईस, सबसे पहले एक एक लगाते हैं, उसके बाद में जो बच जाते हैं उनको डबल से उनका पेयर बना के बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन में 6 है तो ये हमने ऑक्सीजन लिखा। अब मेरे साथ गिनिए इसको, एक एक पहले 1, 2, 3, 4 हो गए, बचे 2,
अब यहाँ से इसको डबल कर दिए, इसको हमने युग्मित कर दिए, इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। अब ये यहाँ पर हो गए पांच हो गए, अब ये छठा वाला, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस प्रकार से ऑक्सीजन के भी हमारे छह हो गए, परंतु यहाँ पे देखिए कि जो युग्मित हैं उन्हें हमें यूज नहीं करना है, वो अब हमारे जो बंद बनाने में मदद नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अयुग्मित हैं, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की का हम उपयोग करेंगे, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे बंद बनाने में मदद करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के पास चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, यह कितनी होगी, चार होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को, मेरे शब्दों को थोड़ा सा, मेरे पॉइंट क्या बोल रहा था, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है, इसलिए इसकी संयोजकता जो है, वैलेंसी कितनी है, एक है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास छह, अंतिम कोष में छह इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से चार जो थे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के माध्यम से युग्मित हो गए, अयुग्मित दो बचे, इसलिए इसकी संयोजकता जो वैलेंसी है वह दो है। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर, फोर हो गए। अब हमारे पास एक बचा, तो हम इसको पेयर्ड कर देते हैं, युग्मित कर देते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना देते हैं, ठीक है। अब इसके पास अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री बचे, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता का मतलब यह है कि वह तीन बंद बना सकता है, इसमें दो है तो इसमें दो बंद बनाएगा किसी भी अन्य परमाणु या तत्व के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बंद बनाएगा, ये कार्बन जो है ये चार बनाएगा, यह संयोजकता कहलाती है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता हमारी कहलाएगी। अब यहाँ पे हेलोजन तत्व है, हेलोजन तत्व में आखिरी जो अंतिम कोष होता है, अंतिम कोष में तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे सात होंगे, चलिए काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर, ये हो गया फाइव, ये युग्मित हो गया, इसको अलग कर दीजिए, ये हो गया सिक्स, ये भी युग्मित हो गया, इसको भी अलग कर दीजिए, ये हो गया सेवन, इसको भी हम अलग कर देते हैं। इसमें तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक बचा, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, एक होगी। वैसे ही यहाँ एक्स, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे, ये सबकी, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबकी संयोजकता क्या होगी, एक ही होगी। अब इनकी जो संरचना है, संरचना स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानते हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्बन की संरचना देखते हैं, आपको जहां पे भी कार्बन देखने को मिलेगा ऐसे आपको चार डंडे दिखाई देंगे, चार डंडे का मतलब क्या है, इसकी संयोजकता कितनी है, चार है, इसलिए यह चार ऐसे आपको डंडे दिखाई देंगे, चार बंद यह अपने अलग अलग बना सकता है, तो इसको बोलेंगे कि कार्बन की संयोजकता चार होती है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अपना एक डंडा, इस हाइड्रोजन में हमेशा एक डंडा आपको दिखाई देगा। ऑक्सीजन के पास, हमारे पास इसकी संयोजकता दो थी, इसलिए आपको हमेशा ऑक्सीजन में दो इस प्रकार से दिखाई देंगे। अभी इसके बारे में और जानेंगे आप, मैं अभी जो जो बताते जा रहा हूँ उसे ध्यान में रखिए, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके पुनः देखिए, आपके समझ में जरूर आएगा। अब जो नाइट्रोजन है, इसके पास तीन है, तो जहां पर भी आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा, नाइट्रोजन के आपको तीन ऐसे डंडे हमेशा दिखाई देंगे, यानी नाइट्रोजन की संयोजकता तीन होगी, ठीक है ना।
ध्यान में रखिएगा। अब ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, इनके एक एक हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन जैसे एक एक बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। ये बॉन्ड है, ठीक है, बंद है। ये चार बंद बनाएगा अलग अलग कार्बन, हाइड्रोजन एक बंद बनाएगा, एक बंद के साथ युग्मित होगा, यह दो बंदों के साथ युग्मित होगा, और यह तीन प्रकार से बंदों के साथ बनाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं संरचना सूत्र के बारे में कि संरचना सूत्र क्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास दो वर्ड आए थे, पहला आया था, देखिए यहाँ पे हमने संरचना की बात की है कि इनकी संरचना कैसी होती है। यहाँ पे ये देखिए संरचना के बारे में हमने जाना है कि इनकी संरचना कैसी होती है। अब हम यहाँ पे जानेंगे संरचना सूत्र के बारे में। परमाणुओं की व्यवस्था को संकेतों या बंधों के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं उन्हें हम संरचना सूत्र कहते हैं। अब ये जिन लोगों को पता नहीं है कि यौगिक क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, तो हम बताते हैं। परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु ध्यान दीजिए यहाँ पर, परमाणु सबसे छोटे होते हैं। कैसे, परमाणु कौन कौन से होंगे, जैसे कार्बन एक सिंगल, ये परमाणु है कार्बन, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो इनके आपस में मिलने से अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। परमाणुओं के आपस में मिलने से अणुओं का निर्माण होता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे आप इसको कैसा पढ़ेंगे, ये एक अणु बन गया, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है। जब कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिले तो अणु का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अणुओं के निर्माण से यौगिक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि संरचना सूत्र के बारे में। अभी हमने जो ऊपर एलिमेंट्स जाने थे, उनकी वैलेंसी जाने थे, लुईस डॉट सिंबल जाने थे, उनका उपयोग यहाँ पे हम करेंगे कैसे हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए CH4 का क्या होता है, C2H6 का संरचना सूत्र कैसे बनता है, HCHO का संरचना सूत्र कैसे बनता है, इस प्रकार से। और भी उदाहरण है, जैसे C2H4 का संरचना सूत्र कैसे बनता है। अब हम पहले बात करते हैं यहाँ पे CH4 की बात करते हैं। तो CH4 जो है, यहाँ पे सबसे पहले हमको कार्बन देख रहे हैं, हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो इसकी इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमको कार्बन देख लिए, कार्बन को लिखिए। हमें पता है कार्बन की जो संयोजकता वैलेंसी होती है चार होती है, तो यहाँ पे हम इसके चार डॉट इस प्रकार से बना दिए, ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए। अब यहाँ पे H जो है, H कितने, चार है, और हमें पता है कि H जो है हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, वह एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से आप चार हाइड्रोजन को अलग अलग इस प्रकार से कर दीजिए, ध्यान से देखिए आपको समझ जरूर आएगा। अब यहाँ पे इसको हम बॉन्ड बना दिए, एक दो तीन और ये चार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता है चार वह भी पूरी हो गई, और हाइड्रोजन की जो संयोजकता एक है वह भी पूरी हो गई। इस प्रकार से यह युग्मित हो गए, ठीक है ना, और सूत्र हमारा संरचना सूत्र बना CH4। अब यहाँ पे C2H6 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, हमें कार्बन देखना है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, चलिए दो कार्बन बनाते हैं, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन। अब यहाँ पे हमें पता है कार्बन की संयोजकता चार होती है, एक दो तीन चार, इस तरफ भी बना दीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये दोनों कार्बन को हमने एक एक बॉन्ड से जोड़ दिए, अटैच हो गए। अब बचे हमारे पास तीन, याले कार्बन के पास भी तीन बचे, याले कार्बन के पास भी तीन बचे। अब यहाँ जो सूत्र है हमारा, H कितने है, 6 है, चलिए H इसको तीन दे देते हैं, इस कार्बन को। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होती है एक होती है, ये तीन हो गए कार्बन इस साइड,
यहाँ पे भी हम इसको भी दे देते हैं, एक का एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। अब इसके हम बॉन्ड बना देते हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। इससे इसको कर दिए, इससे इसको कर दिए, इससे इससे इसको, इसी प्रकार ये और ये। अब हमें ध्यान देना है कि कार्बन की संयोजकता पूरी हुई कि नहीं और हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हुई कि नहीं। कार्बन के चार थी संयोजकता या चारों बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन की एक एक थी, एक एक मिल गए। ये कार्बन की भी चार थी, एक दो तीन चार, ये चारों कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से संरचना सूत्र बनते हैं। ऐसे ही ढेर सारे उदाहरण हैं, आप अलग अलग अपने उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपना संरचना सूत्र बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, यह है HCHO। जैसे हमने ऊपर जाना था कि कार्बन के चार होते हैं, सबसे पहले कार्बन उठाओ, इसके चार लगा दो, संयोजकता वैलेंसी चार होती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ सूत्र में दो हाइड्रोजन दिए, इसलिए हमको चलो दो हाइड्रोजन इनको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, एक हाइड्रोजन इस तरफ से दे दिए, इनको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। तो हम अभी जाने थे कि ओ जो है इसके पास, इसके अंतिम कोष में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से दो ये हो गए थे, दो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना लिए थे और यहाँ पे अयुग्मिक थे दो, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वह हुई थी दो। तो अब यहाँ पे इसके साथ इसको अटैच कर दिए, इसके साथ इसको अटैच कर दिए, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये एच, ये हो गया एच, ये डबल बॉन्ड ओ। आशा करते हैं आपके समझ आ गया होगा। इस प्रकार से कार्बन की जो संयोजकता चार वाली वो भी कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की संयोजकता भी कंप्लीट हो गई। C2H4 को देख लेते हैं, C2H4 को दो कार्बन है, चलिए दो कार्बन है तो हम दो कार्बन को ले लेते हैं, दोनों को एक, ये दो, इसके ये चार डॉट इस प्रकार से लगा दीजिए, चार संयोजकता होती है। हाइड्रोजन चार है, चलिए दोनों को हम दो दो दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, एक हाइड्रोजन इस तरफ वाले कार्बन को दे दिए और इसको भी दे दिए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, इनको अटैच कर दिए कार्बन को, ये इससे और इससे इसको, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये एच डबल बॉन्ड सी एच एच, ठीक है ना, इस प्रकार से यह बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसकी आशा करते हैं आपके समझ आ गया होगा। इस जैसे ऑक्सीजन की दो थी, नाइट्रोजन को भी इसी प्रकार से करेंगे, जहाँ पर भी नाइट्रोजन आएगा इसकी तीन संयोजकता होगी। जैसे जो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, जो ब्रोमीन था, इनको हम, इनकी संयोजकता एक एक होती है, हाइड्रोजन जैसे अटैच करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, सहसंयोजी बंध के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का निशान इस प्रकार से होता है, सिग्मा, इसे हम सिग्मा बंध बोलते हैं, ठीक है ना, सिग्मा बंध बोलते हैं। सिग्मा इस प्रकार से निशान होता है, सिग्मा का, सिग्मा संकेत होता है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड का होता है पाई इस प्रकार से, और ये इसे बोलते हैं पाई बंध। पाई बंध, अब ये हम जानते हैं इसके कि इनका यूज कहाँ होता है, कैसे, कौन सा पाई बंध होता है, कौन सा सिग्मा बंध होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक परमाणु ए है, यह हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, दूसरा परमाणु है बी, यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड से, जहाँ पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वो हमेशा सिग्मा बंध होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये दूसरा उदाहरण है, ए में
और बी में जो ये डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से बंद बनाए हुए। तो यहाँ पे एक बंद होगा हमारा सिग्मा और एक बंद होगा पाई। अब इन दोनों में से आप किसी को भी सिग्मा या पाई कह सकते हैं, पर ध्यान यह रखिएगा कि एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण ए और बी में लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, कि ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन सा बंद क्या क्या होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एक होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। याद रखिए जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एक पाई सिग्मा होगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होंगे। चलिए इसे अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे H है, आप लोग बताइएगा इसमें कि यहाँ पे कौन सा सिग्मा है और कौन सा पाई है। ये हमारा सूत्र था C2H4। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन की संयोजकता चार पूरी हुई कि नहीं। चलिए एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, डबल बॉन्ड से ये भी कंप्लीट हो गया। याला भी संयोजकता इस कार्बन की चार कंप्लीट है। चलिए ये हमारा बैलेंस है। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि कौन सा पाई बंद है और कौन सा सिग्मा बॉन्ड है। तो ये है सिग्मा बॉन्ड सिंगल वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई, यह समझ आ गया होगा। अब जैसे देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला, जहाँ पे तीन बॉन्ड होंगे, जहाँ पे तीन बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकी संयोजकता पूरी है कि नहीं, कार्बन की चार है, यहाँ पे ये तीन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला कार्बन बैलेंस है। ये वाला कार्बन भी तीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यह भी बैलेंस है। तो यहाँ पे एक होगा पाई और दो होंगे, एक होगा सिग्मा और दो होंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी बंध के प्रकार आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब जो ये नेक्स्ट है, इसमें आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। आप लोग अपने मन में विचार कर लीजिए जब तक मैं इसमें बता देता हूँ। जो सिंगल है वह होगा सिग्मा, यह सब कैसे है सिग्मा है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक क्या होगा सिग्मा और एक क्या होगा पाई, यह भी सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता तीन, इस प्रकार से यह जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, कार्बन की भी कंप्लीट हो गई है तीन और एक ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक होगा सिग्मा और दो होंगे पाई, ठीक है ना। जहां पे भी ट्रिपल आएगा एक होगा सिग्मा दो होंगे पाई, ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बन की डिग्री के बारे में कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम कार्बन की डिग्री वन डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड और फोर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन की डिग्री एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन कौन सी फर्स्ट डिग्री कार्बन है, कौन सा सेकेंड डिग्री कार्बन है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में। तो प्राथमिक कार्बन, जिसे हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन को वन डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। द्वितीयक कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं और इसे ऐसा टू डिग्री कार्बन से दर्शाते हैं। तृतीयक कार्बन को इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी कार्बन और इसे थ्री डिग्री कार्बन इस प्रकार से दर्शाते हैं। चतुर्थक कार्बन को बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन को फोर डिग्री कार्बन इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब ये होता क्या क्या पढ़ लेते हैं पहले कि प्राथमिक कार्बन में क्या है। प्राथमिक कार्बन ध्यान से यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा, वे कार्बन जिनमें वे कार्बन जिनसे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होता है प्राथमिक कार्बन कहलाता है, ठीक है। वे कार्बन जैसे एक कार्बन जे है, इसके साथ एक कार्बन ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है,
इधर मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड में एन जुड़ गया, ये इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए और इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए इधर भी एन जुड़ गया। अब यहाँ हमको क्या देखना है, कार्बन को देखना है। प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, वे कार्बन जिनसे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है तो या फिर इस कार्बन को भी लेंगे आप तो यह एक ही जुड़ा हुआ तो यह 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा है सेकेंड डिग्री द्वितीय कार्बन, वे कार्बन जिनसे सीधे दो कार्बन जुड़े होते हैं, दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे इस प्रकार से, जैसे एक कार्बन है इसके साथ मान लीजिए इधर एक कार्बन ये जुड़ गया, इधर एक कार्बन ये जुड़ गया, ठीक है। तो इस कार्बन का, ये वाले कार्बन को इसके साथ देखिए सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, अभी उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे। सीधे दो कार्बन जुड़े हैं, इसको नहीं गिनना है, इस कार्बन को बोलेंगे हम सेकेंड डिग्री कार्बन। सीधे दो कार्बन परमाणु जुड़ेंगे तो सेकेंड डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे देखिए इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ एक ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह 1 डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम तृतीयक कार्बन की, वे कार्बन जिनसे सीधे 3 कार्बन परमाणु जुड़ेंगे। अब यहाँ पे कैसे, जैसे एक कार्बन ये है मान लीजिए, इसके साथ इधर एक ये जुड़ा हुआ है, इधर एक ये जुड़ा हुआ है और ये एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है सी, ये जो यहाँ पे इसकी संयोजकता है यह अभी सब हाइड है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने संयोजकता पूरी नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अभी उदाहरण से और समझा दूंगा। तो ऐसा कार्बन जिनसे डायरेक्ट 3 कार्बन, जैसे ये बीच वाले कार्बन की बात कर रहे हैं तो इससे 3 कार्बन जुड़े हुए, 1, 2, 3 डायरेक्ट 3 जुड़े हैं, इसलिए इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, 3 डिग्री, इस प्रकार से 3 डिग्री यानी तृतीयक कार्बन बोलेंगे। चतुर्थक कार्बन में ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट कितने होंगे, 4 होंगे, 4 ही हो सकते हैं, 5 नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 ही होती है, इसलिए इस कार्बन जो बीच वाला है ये अपनी संयोजकता पूरी कर चुका है, 4 इससे कार्बन जुड़ चुके हैं। इधर वाले कार्बन यहाँ पे अपन इस प्रकार से H3 लिख सकते हैं, इसको H3 लिख सकते हैं, 3 कार्बन जुड़े होते हैं, इसको भी H3 इस प्रकार से लिखा जा सकता है और H3, ठीक है, H हाइड था ऊपर वालों में, ये मैंने लिख दिया है। इस कार्बन की भी 4 संयोजकता पूर्ण हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे चतुर्थक कार्बन की, ये बीच वाला कार्बन देखिए 4 कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा हुआ है, इसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो एक श्रृंखला के माध्यम से हम समझते हैं, चलिए अब यहाँ पे आप लोग बताइए इस उदाहरण में, यहाँ पे H हाइड है, ठीक है, संयोजकता पे अभी ध्यान नहीं दीजिए, आप बताइए कि कौन सा 1st डिग्री कार्बन है, कौन सा 2nd डिग्री कार्बन है, कौन सा 3rd डिग्री है, कौन सा 4th डिग्री है। चलिए सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं, पहला वाला, तो हमने पढ़ा था कि ऐसा जो भी कार्बन होगा उससे डायरेक्ट अगर एक ही कार्बन जुड़ा होगा तो वह 1st डिग्री, मतलब ये कार्बन कैसा है हमारा, 1st डिग्री प्राथमिक कार्बन। अब इस कार्बन को देखिए, ये इसको बताइए कौन सा कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ही है, इधर वाला नहीं, डायरेक्ट इससे जो जुड़ा होगा, डायरेक्ट यानी सीधे जो जुड़ा होगा इस प्रकार से, सिर्फ इस प्रकार से ऊपर नीचे आजू बाजू जो जुड़ा होगा, इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इससे 2 जुड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यह द्वितीयक कार्बन कहलाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, आगे हमको अभी डिग्री हेलो एल्केन की भी पढ़ना है, एमाइन की भी पढ़ना है, एमाइन की थोड़ी सी कन्फ्यूज करेगी, इसलिए इनको ध्यान में रखिए, आगे आपको अभी काम आएगा, है ना, ध्यान से देखिए। अब इस कार्बन की हम बात करते हैं, इसके साथ देखिए कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो ये वाला जुड़ गया, दूसरा ये वाला कार्बन जुड़ा है और तीसरा ये वाला जुड़ा है, मतलब ये कौन सा कार्बन होगा, तृतीयक, जिसे 3 डिग्री कार्बन हम बोलेंगे, ठीक है। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हैं, 4, एक ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला कार्बन और ये चौथा ये वाला, तो ये चतुर्थक कार्बन हो गया। इस प्रकार से इस कार्बन के साथ देखिए 3 जुड़े हैं, एक ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तो ये तृतीयक कार्बन हो गया, ठीक है ना। अभी ऊपर वाला कार्बन की अगर बात करें तो यह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह
फर्स्ट डिग्री हो गया, यह भी एक कार्बन से जुड़ा है तो यह फर्स्ट डिग्री हो गया, यह भी एक कार्बन से जुड़ा है तो यह फर्स्ट डिग्री हो गया। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। ध्यान रखना है कि जो कार्बन रहेगा उससे कितने कार्बन जुड़े हैं उस हिसाब से हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बांटना है। अब आगे चलते हैं। अब हम वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण कर रहे हैं। एल्कोहल में डिग्री ऑफ एल्कोहल, इसकी भी डिग्री होती है, ये एक प्रकार से वर्गीकरण है, इसकी भी डिग्री होती है एल्कोहल की। प्राथमिक एल्कोहल इसको फर्स्ट डिग्री बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल इसको सेकेंड डिग्री बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल इसको थर्ड डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। अब इसमें देखिए वे एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। जैसे कार्बन के बारे में हम जान लिया था, एल्कोहल क्या होता है, जहां पर भी OH क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रियात्मक समूह OH हो गया, COOH हो गया, ये और एक हो गया CHO हो गया, यह सब क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसको बस आप माइंड में ऐसे रखिए, अभी हम आगे विस्तार पूर्वक इनको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इसको आप अभी माइंड में रखिए कि इन्हें क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ये NH2 हो गया, इस प्रकार से ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, जैसे CN हो गया, इस प्रकार से साइनाइड, ये हो गया एमाइंस, ठीक है। ये हमारा अभी यहाँ पे है ये OH की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो वे एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, कि प्राथमिक एल्कोहल फर्स्ट डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे, कि वे एल्कोहल जिनमें जिसमें जो OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, OH जो होगा प्राथमिक कार्बन से जब जुड़ा होगा तो वह कहलाएगा हमारा फर्स्ट डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। द्वितीयक में क्या है, वे एल्कोहल जिसमें OH समूह, OH जो है द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा। अभी हमने जो कार्बन ऊपर पढ़े हैं ना, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, तो वही चीज यहाँ पे काम आने वाली है। ये फर्स्ट डिग्री कार्बन से जो OH समूह जुड़ा होगा वह प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। जो एल्कोहल मतलब OH समूह जो है, यह अगर द्वितीयक कार्बन यानी जिसमें ऐसा कार्बन जिसके दोनों ओर दो कार्बन से जुड़ा होगा उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं, और उससे अगर OH समूह जुड़ा है, अभी हम उदाहरण समझते हैं, तो उसे द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। तृतीयक एल्कोहल क्या होगा, ऐसा एल्कोहल जिसमें OH जो है तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा उसे तृतीयक एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल या थ्री डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि कैसे, जैसे ये हो गया CH3, C और यहां पे हो गया, ये हो गया CH और ये हो गया CH3। देखिए इस कार्बन में H हो गए 3 और एक बॉन्ड ये हो गया, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन में एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक बॉन्ड इधर वाले कार्बन के साथ बन गया, एक ये H हो गया, 3 हो गए। अब इसके साथ हम जोड़ देते हैं OH समूह को, ठीक है, OH समूह को जोड़ दिए। अब एक और उदाहरण जैसे ले लेते हैं जेवर, अभी हम समझाते हैं इसको कौन सा क्या है, अभी हम उदाहरण लेके लेते हैं। H इस प्रकार से H और ये OH को जोड़ दिए। तो यहां पे देखिए ये वाला जो कार्बन है अगर C किसी के साथ नहीं भी जुड़ा है तो प्राथमिक 1 डिग्री कहलाएगा, और जुड़ा है तो भी 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो OH समूह है यह एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ये नीचे एक और कार्बन ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर वैसे समझ नहीं आया। पर याद रखिएगा अगर कार्बन के साथ दूसरा कार्बन नहीं भी जुड़ा है और सिंगल कार्बन है तो वह प्रथम डिग्री कहलाएगा, ये इस प्रकार से जुड़ा है तो यह कहलाएगा। हमने प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा जानी थी कि वे एल्कोहल जिसमें OH जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा। एल्कोहल किसको बोलेंगे,
एल्कोहल, सबसे पहले एल्कोहल की परिभाषा हम देख लेते हैं कि एल्कोहल क्या होता है, अभी इसको हम समझ रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल जैसे मैंने बताया था कि क्रियात्मक समूह जो OH है, ठीक है, यह अगर किसी यौगिक से जुड़ता है, कार्बनिक यौगिक से, जैसे CH3OH, जैसे ये वाला सूत्र जो है अभी हमने बनाए थे कि C, चलिए इसको बनाते हैं, C ये हो गया H, 3H है तो 3H हमने जोड़ दिए, ये 3H और यहाँ पे OH, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई। अब बोलेंगे ऑक्सीजन की कैसे हुई, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन की 2 होती है संयोजकता, एक बॉन्ड इसके साथ हो गया और दूसरा ये H के साथ हो गया, 2 कंप्लीट। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, देखिए जैसे O है ना, तो एक बॉन्ड इधर ये हो गया C के साथ और ये H के साथ इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पे दोनों की संयोजकता पूरी हो गई। तो मेरा यहाँ पे ये इसको बताने का मतलब ये था कि जब भी OH समूह इस प्रकार से जुड़ा होगा तो वह क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे। तो वे एल्कोहल, ये सभी कैसा है, OH, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, एल्कोहल है। तो वे एल्कोहल जिसमें OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, यहाँ पे देखिए यह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन अभी हमने जाना था कार्बन डिग्री में कि वह कार्बन जो जिनसे सीधे एक कार्बन जुड़ा होगा वो फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा, तो यहाँ पे प्राथमिक कार्बन है और ये OH समूह जुड़ा हुआ है इसलिए यह प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है ना। अभी इस पे देखते हैं, अगले उदाहरण में, इस उदाहरण की बात कर रहे हैं, इस उदाहरण में देखिए जो OH समूह है वह किस कार्बन से जुड़ा है, इस ये वाले कार्बन से जुड़ा है, बीच वाले कार्बन से। अब बीच वाला जो कार्बन है हमें इसके बारे में सोचना है कि ये प्राथमिक कार्बन है या द्वितीयक है या तृतीयक है, तो देखिए कैसे, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 है, मतलब यह सेकेंड डिग्री कार्बन हो गया, सेकेंड डिग्री कार्बन हो गया। तो OH समूह द्वितीयक एल्कोहल में हमने ये जाने थे ना, OH समूह ये वाला OH समूह द्वितीयक कार्बन से अगर जुड़ा है तो वह द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। जब एल्कोहल जो OH होगा, एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें OH जो है तृतीयक कार्बन से जब जुड़ा रहेगा, तृतीयक कार्बन मतलब देखिए ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हों, जैसे एक कार्बन ये जुड़ गया, एक कार्बन ये जुड़ गया, एक कार्बन ये जुड़ गया, ये H3 इस प्रकार से, और यहाँ से OH समूह जुड़ा, तो ये बीच वाला कार्बन कौन सा है, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, OH समूह जुड़ गया, मतलब ये तृतीयक एल्कोहल हो गया, ठीक है ना। अब यह चतुर्थक एल्कोहल नहीं होगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है और ये चारों इसकी संयोजकता इतने में ही कंप्लीट हो जाती है, इसलिए 3 ही डिग्री होती है एल्कोहल की, कार्बन की 4 होती है क्योंकि वह कार्बन कार्बन 4 आपस में जोड़ सकता है, ठीक है ना। एल्कोहल हमने पढ़ लिया था, अब डिग्री ऑफ हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे। हेलो एल्केन अभी हमने जाना था कि समूह 17 के तत्व जो होते हैं हेलोजन, एक्स हेलो एल्केन, ठीक है। प्राथमिक हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनसे हेलोजन तत्व, हेलोजन जो होता है एक्स, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी सेम वैसे ही है जैसा अभी हमने एल्कोहल देखा था, उसी प्रकार से सेम टू सेम है, अभी एमाइन जो आएगा वो अलग होगा। हेलो एल्केन जो प्राथमिक, जो जिसमें एक्स, एक्स कौन कौन सा हो गया, हेलोजन तत्व कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये जो होंगे प्राथमिक कार्बन से अगर जुड़े होते हैं तो वो हेलो एल्केन जो होंगे प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाएंगे। कौन से हेलो एल्केन, प्राथमिक, जैसे इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से CH3 है, इसके साथ अगर ये क्लोरीन जुड़ा है, ये क्या है, हेलोजन है। तो अभी मैंने बताया था
कि अगर कार्बन किसी के साथ नहीं भी जुड़ा है तो प्राथमिक फर्स्ट डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। एच थ्री है यहाँ, तो यह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है इसलिए यह क्या कहलाएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन, फर्स्ट डिग्री प्राथमिक हेलो एल्केन, ठीक है। अब द्वितीयक में वे हेलो एल्केन जिनसे जो हेलोजन तत्व हैं द्वितीयक कार्बन से जुड़े होंगे, मतलब ये जो द्वितीयक कार्बन से इस प्रकार से जुड़े होंगे, ये बीच वाले कार्बन से जैसे मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, फ्लोरीन जुड़ गया, ये एच थ्री हो गया, ये भी एच थ्री हो गया, एच थ्री हो गया, इस प्रकार से इसकी एक दो तीन और यहाँ पे एक संयोजकता पूरी करने के लिए एच लगा दिए, एच के साथ जोड़ दिए। तो इस प्रकार से यह अब हमको देखना है कि जो बीच वाला सी है यह एक दो दो कार्बन से जुड़ा, मतलब यह कौन सा कार्बन हुआ, द्वितीयक कार्बन हुआ, इसलिए हमारा यह जो नियम है कि वे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन तत्व है, यानी हेलोजन तत्व F हो गया यहाँ पे, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरे नंबर के कार्बन मतलब द्वितीयक 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह द्वितीयक हेलोएल्केन कहलाएगा। अब तृतीयक हेलोएल्केन में ऐसे हेलोएल्केन जिसमें जो हेलोजन तत्व है वह तृतीयक कार्बन से जब जुड़े होंगे तो तृतीयक हेलोएल्केन कहलाएगा। जैसे सी है, एक सी से इधर जुड़ा है, एक सी से इधर जुड़ा है, एक सी से ऊपर ये ऐसा जुड़ा है, तीन हो गए और नीचे ये ब्रोमीन को जोड़ दिए, ये हेलोजन तत्व है, ठीक है ना। तो यह कैसा कहलाएगा, तृतीयक हेलोएल्केन क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो ये कार्बन है ये बीच वाला या तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए तृतीयक कार्बन कहलाएगा, और जो हेलोजन तत्व तृतीयक कार्बन से जुड़े होंगे उन्हें तृतीयक हेलोएल्केन 3 डिग्री हेलोएल्केन बोलते हैं। आशा करते हैं समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइंस। मैं पिछले अभी जब से बोल रहा था कि बहुत ध्यान से तीनों को देखिए, यह अलग है। अभी तक हम देख रहे थे कि ऊपर जितने भी देख लिए हमने, कार्बन देखे, डिग्री ऑफ एल्कोहल देखे, डिग्री ऑफ हेलोएल्केन देखे, उनमें क्या हो रहा था कि जो भी चीज जुड़ रही थी वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ रही थी या द्वितीयक कार्बन से जुड़ रही थी या तृतीयक कार्बन से जुड़ रही थी, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ रही थी। पर यहाँ पे हो गया उल्टा एमाइंस में। अभी कैसे हो गया, अब देखते हैं। एमाइंस कौन से होते हैं, एमाइंस यानी नाइट्रोजन, इनको बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ठीक है, अभी हमने जाना था, इनको बोलते हैं एमाइंस, ठीक है, ये होते हैं एमाइंस। तो वे नाइट्रोजन्स प्राथमिक एमाइन यानी फर्स्ट डिग्री एमाइन की बात कर रहे हैं, वे नाइट्रोजन्स जिनसे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा, यहां परिभाषा बदल गई है, बहुत ध्यान से देखिए, अब हमको नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड रहना है। ऐसा नाइट्रोजन जैसे इधर से ये कुछ भी जुड़ा होगा, मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड में अलग से कोई अन्य चीज जुड़ी होगी और इस नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, एक कार्बन, सिर्फ ये कार्बन की बात हो रही है, एक कार्बन अगर जुड़ा होगा तो वह कौन सा फर्स्ट डिग्री एमाइन कहलाएगा, ठीक है। अब सेकेंड डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन किसे कहेंगे, वे नाइट्रोजन जिनसे दो कार्बन जुड़े होंगे, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, एक तरफ एक कार्बन हो गया, दूसरी तरफ ये दूसरा कार्बन हो गया, इस नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं। अभी तक हम जान रहे थे कि फर्स्ट डिग्री में जुड़ा होगा, फर्स्ट डिग्री कार्बन में जुड़ा होगा, सेकंड डिग्री कार्बन में जुड़ा होगा, यहाँ परिभाषा बदल चुकी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए यह 2 डिग्री एमाइंस कहलाएगा, सेकेंडरी एमाइंस कहलाएगा। अब थर्ड डिग्री में भी ऐसे नाइट्रोजन जिनसे तीन कार्बन जुड़ा होगा, ये नाइट्रोजन हो गया, इससे एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है और ये तीसरा कार्बन यहाँ से जुड़ा है। तो इस प्रकार से इस नाइट्रोजन से तीन कार्बन जुड़े होने की वजह से इसे तृतीयक एमाइंस 3 डिग्री एमाइन कहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं डिग्री ऑफ एमाइंस भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा कार्बन किसे कहते हैं। इन परिभाषाओं को आप दोबारा वीडियो को ऑन करके देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है ना।
यहाँ पे आप देखते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा कार्बन किसे कहेंगे? क्रियात्मक समूह, अभी हमने जाना था कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। क्रियात्मक समूह जो होते हैं OH, COOH, CHO, CN, इस प्रकार से ये क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप तो बोलते हैं, क्रियात्मक समूह से जो जुड़े कार्बन है, क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा कार्बन होगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। जैसे ये कार्बन है, ये क्रियात्मक समूह OH से जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, तथा उनके पड़ोसी कार्बन को बीटा तथा अगले वाले को गामा कार्बन कहते हैं। अब देखिए कैसे, इसका पड़ोसी मान लीजिए एक ये दूसरा कार्बन है, और इसका पड़ोसी मान लीजिए एक और ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे भी एक और दूसरा कार्बन है, इसके आगे भी एक और दूसरा कार्बन है। तो ये OH क्रियात्मक समूह है, इस कार्बन से जुड़ा है मतलब ये अल्फा हो गया डायरेक्ट, इसका पड़ोसी ये वाला कार्बन है मतलब ये बीटा कार्बन कहलाएगा, और इसका और ये पड़ोसी है गामा, ये गामा कार्बन कहलाएगा, ठीक है ना। वैसे ही इस कार्बन का ये पड़ोसी ये वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, और ये वाला कार्बन गामा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर से बता देते हैं कि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उनके जो पड़ोसी कार्बन होंगे वो बीटा कार्बन और गामा कार्बन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये वाला कार्बन है, ये सी ओ ओ एच से जुड़ा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये वाले सी की बात नहीं करेंगे, ये क्रियात्मक समूह का है, इस सी को छोड़ देना, ठीक है, इस सी को हम छोड़ देंगे, इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इसकी बात करेंगे तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसका पड़ोसी ये वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, इसका ये पड़ोसी ये वाला सी बीटा कार्बन कहलाएगा, अगर इसका और कोई पड़ोसी है ये वाला तो यह गामा कार्बन कहलाएगा, इसका अगर पड़ोसी ये वाला है तो यह गामा कार्बन कहलाएगा। इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा कार्बन आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। कैलकुलेशन की हम जो बात कर रहे थे कि जैसे आपके एग्जाम्स में ऐसा पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में जैसे आ जाएगा, वन डिग्री कार्बन किसे कहते हैं बताइए, सेकेंड डिग्री कार्बन किसे कहते हैं बताइए, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं बताइए, बीटा कार्बन किसे कहते हैं बताइए, गामा कार्बन किसे कहते हैं बताइए, इस प्रकार से कुछ सूत्र दे देगा और उसमें आपको एग्जाम्पल में पूछेगा, तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।